फ्रेंड्स, मैं रश्मि आपके रे किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको व्रत के लिए व्रत के चावल से और साबुदाने से रसगुल्ले टाइप ऑफ मिठाई लेके आई हूँ, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी भी है और साथ ही में हेल्दी भी है। इसे बनाना एकदम आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में ये झटपट बनने वाली रेसिपी है। चलिए बनाना शुरू करते हैं, बट बनाने से पहले हमेशा की तरह आपको मेरे वीडियो पसंद है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलिए। तो चलिए सबसे पहले हम व्रत के चावल से रसगुल्ला बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैंने इस कप से 2 कप दूध लिया है। गैस को हम ऑन करेंगे और आंच को जो है हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और दूध को जो है हल्का सा गर्म होने देंगे। ये देखिए दूध में अब उबाल आने लगा है, तो हम इसमें 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। ये होममेड घी है। साथ ही में हम 2 बड़े चम्मच चीनी डालकर इसे चला लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1 कप भगर यानी कि सामा राइस है, इसे व्रत का चावल भी कहते हैं। इसे भी इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिलाते जाएंगे। जिस कप से हम दूध लेंगे उसी कप से हमें ये व्रत का चावल भी लेना है। इसे हमें लगातार चलाते रहना है और जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये सारा दूध जो है वो सोख लेगा। अगर आप व्रत में यानी कि फास्टिंग में नहीं है तो आप इस रेसिपी को सेम चावल के आटे के साथ भी बना सकते हैं। ये देखिए अब ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है और बिल्कुल सूजी का जैसे हलवा होता है उसी तरह से नज़र भी आ रहा है। आप देख सकते हैं हमारा जो व्रत का चावल है वो पूरी तरह से ड्राई हो गया है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए इसके खुद के भाप में ही इसे पकने देंगे। ये देखिए 15 मिनट के बाद इसे मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से मसलते हुए बिल्कुल जैसे हम आटे को गूंथते उसी तरह से इसे गूंथते जाएंगे और इसे सॉफ्ट कर लेंगे। अगर गूंथते समय आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा ड्राई है या ये गूंदने में थोड़ा आपको मुश्किलात आ रही है तो आप इसमें थोड़ा सा घी मिलाकर इसे अच्छे से गूंद लें, जिससे कि ये आसानी से गूंदा जाएगा। अब हम इनसे लेमन साइज के बॉल बना लेंगे। ये देखिए ये इस तरह से मैंने बॉल बनाकर रेडी कर लिया है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम सारे बॉल्स बनाकर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास स्टीमर प्लेट है, इसे हम घी से ग्रीस करेंगे और इन बॉल को जो है थोड़ी थोड़ी दूरी पे रखते जाएंगे। यहाँ पे स्टीमर में मैंने 1.5 ग्लास पानी गर्म करने रखा था, पानी में उबाल आ गया है। जो हमने यहाँ स्टीमर थाली रेडी करके रखी है उसे हम सावधानी से इसमें रखेंगे और इसे इस तरह से ढककर 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम होने देंगे। जब तक हमारे बॉल जो है स्टीम हो रहे हैं हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। कढ़ाई में हम 1 कप चीनी लेंगे और सेम कप से हम 2 कप पानी इसमें डालेंगे। इसे मिला लेते हैं, गैस को ऑन करेंगे और चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। गैस का फ्लेम जो है हम हाई रखेंगे। ये देखिए चीनी हमारी घुल गई है। तो अब हम इसमें फ्लेवर के लिए यहाँ पे मेरे पास 4 साबुत इलायची है, जिसे मैंने हल्का सा क्रश करके लिया है। आप चाहो तो इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में कुछ केसर के धागे हैं, इसे भी डाल देंगे और इसे मिला लेते हैं। रसगुल्ले की जो चाशनी होती है वो एकदम गाढ़ी नहीं होती, हल्की सी पतली होती है। तो 5 मिनट के लिए इसे और हम पकने देंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गए और आप देख सकते हैं कि चाशनी हमारी बनकर रेडी है। केसर की वजह से बहुत ही प्यारा कलर इसको आ गया है और ये हल्की सी गाढ़ी भी हो गई है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और चाशनी को जो है ठंडा होने देंगे। यहाँ पे 15 मिनट भी हो गए हैं तो गैस को ऑफ कर देंगे। ये देखिए कैसे रसगुल्ले हमारे फूल कर रेडी हो गए हैं। तो इन्हें हम इसमें से निकाल लेते हैं और हल्का ठंडा होने देते हैं। ये देखिए ठंडे होने पर आप देख सकते हैं ये कितने स्पंजी हो गए हैं और अच्छे से फूल कर रेडी भी है। तो अब हम इन सारे बॉल्स को एक एक करके चाशनी में छोड़ते जाएंगे और इसे अच्छे से कोट कर लेंगे, जिससे कि पूरी तरह से चाशनी जो है अंदर तक समा जाए। इन्हें हम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे इसमें रख देंगे।
ये देखिए हमारे व्रत के चावल से बहुत ही टेस्टी रसगुल्ले बनकर रेडी है। अब हम साबुदाना से रसगुल्ले बनाना शुरू करते हैं। तो साबुदाना रसगुल्ला बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक कप साबुदाना है, जिसे मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा था। ये देखिए इसे भिगोने के बाद आप देख सकते हैं ये अब हल्के से फूलकर सॉफ्ट हो गया है। यहाँ पे मेरे पास सिंगाड़े का आटा है, इसे मैंने पैन में हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया था, यानी कि हल्का सा भून कर लिया था। इसमें से हम 3 बड़े चम्मच के करीब आटा डालेंगे और इसे मिला लेते हैं। और इसमें 2 बड़े चम्मच के करीब दूध डालकर इसे बिल्कुल जैसे आटा गूंथते उसी तरह से गूंद लेंगे। इसमें हमने सिंघाड़े का आटा मिलाया जो कि बाइंडिंग का काम करेगा। ये देखिए आटा हमारा गूंद कर रेडी है। और यहाँ पे मेरे पास कुछ किशमिश है। अब हम इस आटे में से थोड़ा सा मिक्सर लेंगे और इसका बॉल बना लेंगे। इसमें हम किशमिश को इस तरह से स्टफ करेंगे। आप चाहो तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे अच्छे से कोट करते हुए ये देखिए इस तरह से हमने बॉल बना लिया है। ये देखिए सारे बॉल्स बनकर अब रेडी है। तो इसके लिए हम चाशनी बना लेते हैं। कढ़ाई में हम 1/2 कप चीनी लेंगे और 1 कप पानी डालेंगे। इसे मिला लेते हैं। गैस को ऑन करेंगे और चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। ये देखिए इसमें उबाल आ गया है। यहाँ पे मेरे पास 4 साबुत इलायची है, जिसे मैंने इस तरह से क्रश करके लिया है। तो इसे हम इसमें डाल देंगे। इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू मिलेगी। कुछ केसर के धागे डालकर इसे चला लेते हैं। अब हम गैस को एकदम धीमा करेंगे और ये जो हमने रसगुल्ले के बॉल्स बनाकर रेडी कर लिए हैं, इन्हें हम एक एक करके छोड़ते जाएंगे। इन्हें हमें ज़्यादा हिलाना या चलाना नहीं है, वरना ये टूट जाएंगे। अब हम इन्हें बिना चलाए 10 मिनट के लिए ऐसे ही चाशनी में पकने देंगे। 10 मिनट हो गए, गैस को ऑफ कर देते हैं। ये देखिए पकने पर ये हल्के से ऑफ वाइट हो गया है। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। ऊपर से हम पिस्ता डालकर इन्हें गार्निश करेंगे। ये देखिए कितने सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं। तो ये हमारे बहुत ही टेस्टी 2 तरीके से रसगुल्ले बनकर रेडी है। आपको जो भी तरीका अच्छा लगा हो, जो भी आपको आसान लगा हो, उससे आप बनाएं और बताएं कैसे बनी थी। ऐसे तो ये रेसिपी जो है मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाई है। तो दोनों में से अगर मुझे आप पूछोगे कि मुझे ज्यादा कौन सा पसंद है, तो व्रत के चावल वाला रसगुल्ला मुझे ज्यादा पसंद आया। बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको दोनों में से कौन सा रसगुल्ला ज्यादा पसंद है। तो आप इन रसगुल्लों की रेसिपियों को जरूर बनाएं, अपने फ्रेंड्स परिवार और सोशल साइट पर इस रेसिपी को जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया।